नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F22 वर्सेस Infinix Note 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F22 में 6.3 इंच जबकि Note 11 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F22 में 2.91 इंच जबकि Note 11 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो F22 में 0.37 इंच जबकि Note 11 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F22 में 203 ग्राम जबकि Note 11 में 184.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F22 में सुपर AMOLED जबकि Note 11 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F22 में 6.4 इंचेस जबकि Note 11 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F22 में 720x1600 और Note 11 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F22 में 83.52% जबकि Note 11 में 86.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 11 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और नोट 11 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F22 में MediaTek Helio G80 और Note 11 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो F22 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Note 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F22 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो F22 में अप टू 1TB जबकि Note 11 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी F22 में 6000mAh जबकि Note 11 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F22 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,499, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹14,999 में मिलता है। और बात करें Note 11 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹11,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy F22 में 3
फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Infinix Note 11 की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 11 आगे है, मेन कैमरा में नोट 11 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F22 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y12s है, दूसरा Infinix Hot 10 है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G10 Power है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।